खरीदी जाएगी आपको डीजीपे और डीजीपे लाइट, जो अभी अभी सभी वीएलईज के लिए लाइव कर दिया गया था, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरा है आपका माइक्रो एटीएम, यानी कि जो आपका मिनी एटीएम होता है, इस तरीके से आप उसको ऑर्डर करके अपना डीजीपे लाइट में या डीजीपे में आप उसको मैप करा के अपने यहाँ से कार्ड है वो अपना किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीजीपे लाइट क्या चीज है, इसी के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि किस तरीके से आप डीजीपे लाइट में अपने पोर्टल से काम कर पाएंगे। बेसिकली कोई भी वीएलई हो, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके डीजीपे लाइट की आईडी नहीं बनी है तो सबसे पहले आप अपने जिले की जो सीएससी टीम है आप एक बार उनसे संपर्क कीजिए, उनके माध्यम से आपको आपका जो डेटा है वो फिल कराया जाएगा गूगल फॉर्म में, तो वहां से जो आपकी आईडी जनरेट होगी वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मिलेगी। ठीक है, जो लोग सीएससी आईडी से फॉर्म भरेंगे उनकी आईडी बनने के बाद में वो उनकी मेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। जो आईडी रहेगी उनका, आईडी और पासवर्ड दोनों चीज मेल पे मिलने के बाद में आप लोगों को किस तरीके से पोर्टल पे काम करना है, मेल में आईडी पासवर्ड जो होगा उसी के साथ में आपको एक लिंक भी मिलेगा। लिंक यानी कि आप जो है इस पोर्टल पे वेब वर्जन में भी, और दूसरा आप अपना मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इस पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। तो ये वेब वर्जन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी डालनी है जो आपको मिलेगी, देन उसके बाद आपका जो पासवर्ड होगा, जो भी डिजिपे लाइट यूजर सब सबसे पहले अपना लॉगिन करेगा, मान लिया दिन के समय में आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तब आपको ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब दिन में एक बार लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप जो है अपने आईडी पासवर्ड से उसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, बार बार ओटीपी की समस्या उसमें नहीं रहेगी, केवल एक बार है ओटीपी प्रोसेस। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपकी ओटीपी जाएगी। पासवर्ड मिल जाए लॉगिन करने के लिए आपको आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, पासवर्ड के बाद में जो फर्स्ट टाइम रहेगा उसमें आपको एक ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाने के बाद में आपको जो है अपना जो पासवर्ड है उसी के माध्यम से आप उसको बार बार लॉगिन कर पाएंगे। 24 घंटे के बाद फिर से यही प्रोसेस आपको रखना होगा कि उसके लिए आपको फिर से जो है ओटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही ओटीपी डालने के बाद में प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले जो पॉपअप आएगा वो आपको आएगा अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट करने के लिए। ईकेवाईसी मींस आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके सेंडर की एक फोटो और एक खुद की एक सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। आप उसे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है केवाईसी शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद जो जो हेल्प सपोर्ट का नंबर है, हेल्प डेस्क का जो नंबर है वो यहाँ सभी के लिए अवेलेबल है 10:30 से 7:30 बजे के लिए। तो कोई भी डीजीपे लाइट यूजर
अपना टिकट ट्रेस करने के बाद में इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी सोल्व करा सकता है। और इसके फर्दर जो भी मैंडेट जानकारी रहेंगी या नोटिफिकेशन रहेगी वो टाइम टू टाइम जो डीजीपी लाइट का डेस्कटॉप है उस पे, वहाँ पे आपको स्क्रीन पे सामने जैसे चला है बैक एंड पे, वही जानकारी सारी यहाँ पे आपको अपडेट्स होती रहेंगी। आपको ई के वाई सी कम्प्लीट करने के लिए अपनी अपनी ई के वाई सी स्टार्ट करनी है। ई के वाई सी स्टार्ट करने के लिए जो रहेगा प्रोसेस, जो सबसे पहले आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपको एक ओटीपी सेंड करनी है। ओटीपी की आने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप रेडी रख के, जिससे आप जो है अपनी ई के वाई सी कम्प्लीट करें। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले अपना पैन कार्ड, नीचे उसके बाद आपको आधार अपना आगे से और बैक से उसको अपलोड करना है। देन उसके बाद आपको अपनी एक लाइव सेल्फी और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी जैसे आपके सेंटर का एड्रेस वगैरह, वो फिल करनी है। फिल करने के बाद में आपकी जो ई के वाई सी है वो बैक एंड से अपलोड कर दी जाएगी और उसके बाद आप जो है अपने पोर्टल से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करें। ट्रांजेक्शन अभी जो पोर्टल पे, अभी जो अपने पोर्टल पे सर्विसेज लाइव हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी आप डिजिपे लाइट पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफर, यूनिफाइड एईपीएस, तीसरा है आपका माइक्रो एटीएम। मनी ट्रांसफर यानी कि जो हमारे डिजिपे में मनी ट्रांसफर था वो पिछले काफी समय से बंद कर दिया गया था, तो अब जो है वीएलई, कोई भी वीएलई अपने डिजिपे लाइट यूजर की आईडी एक्टिवेट करके वहां से अपना मनी ट्रांसफर की सुविधा अपने कस्टमर को अपने सेंटर से प्रोवाइड करा सकता है। तो मनी ट्रांसफर का प्रोसेस क्या रहेगा वो देखते हैं। मनी ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंडर की डिटेल यहाँ पे फीड करनी है, मतलब उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको पुट डालना है। ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपका कस्टमर रहेगा। आप मान लिया कोई भी कस्टमर अगर पहले से आपने ऐड किया हुआ है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से, और कोई भी नया बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो यहाँ से उसको ऐड कर लेंगे। जो बेसिक डिटेल रहेगी, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का नेम और मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप एक मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक मोबाइल नंबर की 1 महीने की जो लिमिट होगी वो 75,000 रुपये की होगी। अगर आप कोई भी बेनिफिशियरी 75,000 रुपये से ज़्यादा आपके यहाँ से सेंड करना चाहता है किसी अकाउंट में, तो आप उसको दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो उसकी लिमिट डबल हो जाएगी। तो सिंपल है बहुत। सबसे पहले एक सेंडर का मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर करना है। देन उसके बाद जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अकाउंट्स की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद में उसको 75,000 से नीचे का कितना भी अमाउंट अपने यहाँ से अपने पोर्टल से एक साथ उसको भेज सकते हैं। दूसरा है यूनिफाइड एईपीएस, यानी कि एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो हम आधार से पैसा निकाल के देते हैं कस्टमर को, तो वो वाली सर्विस है यहाँ पे। इसमें तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट। इसमें जो डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी आप सभी जानते हैं, डीजीपी आप लोग यूज कर रहे हैं एईपीएस सिस्टम जो है सीएससी का, तो सेम डिटेल्स रहेंगी जो आपको यहाँ पे नीड पड़ेंगी। सबसे पहले आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, देन उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जो कस्टमर का आधार नंबर रहेगा। आधार नंबर के बाद में यहाँ पे आप जो है लीड बैंक जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मान ली स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक या इससे अदर कोई बैंक है, तो नीचे आप उसको टाइप करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी बैंक है केवल आपको उसका शॉर्ट नेम टाइप करना है, वो यहाँ से उसका बैंक का नेम आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको अमाउंट आप चूज कर सकते हैं या अदर कोई अमाउंट वो निकालना चाहता है, आपके यहाँ से विड्रॉ करना चाहता है, तो उसको आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे डिटेल फिल करने के बाद में राइट हैंड पे आपका ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है। डिवाइस के लिए एक चीज का ध्यान रखना है सभी वैलीज को, कि केवल आप एक टाइम पे एक ही सिंगल डिवाइस यूज करें, चाहे वो मंत्रा हो, मोर्फो हो या अदर कोई भी डिवाइस हो। केवल सिंगल डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में रखें तो आपका जो वर्जन है वो मतलब आसानी से काम करता रहेगा। यहाँ पे नीचे हुए नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इसके बारे में कि जब तक कस्टमर की आपकी 40% फिंगर कवर ना हो जाए तब तक उसको आपको सबमिट नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से फिंगर कैप्चर हो जाए यहाँ पे आपको सबमिट करना है नीचे आके, और
और उसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद में वो पैसा आपको कस्टमर को देना है। सेम प्रोसेस रहेगा बैलेंस इंक्वायरी में, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट में भी सेम प्रोसेस रहेगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, बैंक सिलेक्ट करना है और नीचे फिंगर लेने के बाद में आपको नीचे आके सबमिट कर देना है। तीसरा है माइक्रो एटीएम। कोई भी वीएलई जो सीएससी के माध्यम से माइक्रो एटीएम चला रहा है वो भी अपना डिजिपे लाइट में उसी माइक्रो एटीएम को यूज कर सकता है, या डिजिपे लाइट पोर्टल से सीधा उसको ऑर्डर करके वो जो डिवाइस है आपके पोर्टल पे मैप होके आएगी, देन उसके बाद आप उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से या वेब वर्जन के माध्यम से अपना जो माइक्रो एटीएम है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी दो सर्विसेज अवेलेबल हैं कार्ड के माध्यम से, जो आप अपने पोर्टल से अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, पोर्टल पे जो भी जनरल रिपोर्ट रहेगी वो आप यहाँ जनरल रिपोर्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, आप अपने पोर्टल पे दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, डीएमटी हुआ, यूपीआई हुआ, कमीशन, पॉज, वॉलेट या कैश आउट, या एईपीएस के ट्रांजेक्शन या एमएटीएम की जो भी ट्रांजेक्शन होगी, आप पर्टिकुलर सर्विस में जाके उसको डेट वाइज उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पासबुक में आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन आपने की, कितना कमीशन आपको मिला, वो सारी चीजें आप अलग अलग सर्विस में जाके उसको चेक कर सकते हैं। वॉलेट टॉपअप पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली आप राइट हैंड पे दो चीजें देख रहे होंगे, वॉलेट वन और वॉलेट टू। तो वॉलेट टू का मैं बता देता हूँ, आपके द्वारा आधार के माध्यम से जो कैश निकासी की जाएगी, और दूसरा माइक्रो एटीएम से जो भी आप कार्ड से पैसे निकाल के देंगे कस्टमर को, वो जो अमाउंट आएगा वो आपके वॉलेट टू में आएगा। आधार से निकाले जाने वाला पैसा और माइक्रो एटीएम से निकाले जाने वाला पैसा वो आपका सीधे वॉलेट टू में आएगा। वॉलेट वन जो है वो केवल मनी ट्रांसफर के लिए है, ठीक है, यानी कि वॉलेट वन केवल मनी ट्रांसफर के लिए है। आप इसमें एक एक्स्ट्रा सर्विस यहाँ पे आपको इसलिए दी गई है कि आप जो है वॉलेट टू से भी वॉलेट वन में ट्रांसफर कर सकते हैं, या वॉलेट वन को आप चार तरीके से रिचार्ज भी कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं अपने वॉलेट को, कि वो पैसा आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो वॉलेट वन का जो टॉप अप रहेगा वो आप किस तरीके से कर पाएंगे मनी ट्रांसफर के लिए, तो वॉलेट टॉप अप में वही प्रोसेस है। वॉलेट टॉप अप में आपको जाना है, पहला ऑप्शन रहेगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्लिक करने के बाद में जो भी बंदा अपनी ई केवाईसी कंप्लीट कर लेगा, जो भी डीजीपी लाइट यूजर रहेगा, तो ई केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे उसको वॉलेट टॉपअप में मिलेगा आपका कैश डिपॉजिट। ई केवाईसी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे उसको काफी सारे बैंक अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे आपका एसबीआई हुआ, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, या अन्य जो भी बैंक है उनका एक पर्टिकुलर अकाउंट रहेगा जिसमें आपको जाके कैश डिपॉजिट करना है। वहां से जो बैंक स्लिप आपको मिलेगी वो आके आपको इस पोर्टल पे अपलोड करनी है, देन उसके बाद 15 से 20 मिनट में वो पैसा आपके वॉलेट फंड में टॉप अप हो जाएगा। दूसरा है बैंक चालान के माध्यम से, दो बैंक दिए हुए हैं अभी, करूर वैश्य बैंक और एक्सिस बैंक। इन दोनों बैंक में से कोई सा भी बैंक चालान आप बना के उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे जब फिल करेंगे तो वो वाला पैसा भी, उससे भी आप अपना वॉलेट टॉपअप कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यूपीआई का, यूपीआई में किस तरीके से आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वही प्रोसेस दिया हुआ है। बात कर रहे थे यूपीआई से आप अपना वॉलेट वन किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूपीआई पे सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद जो अमाउंट है आप यहाँ पे उसको फिल करेंगे। अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट फिल करने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन आएगा शो क्यूआर कोड, शो क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जनरेट क्यूआर कोड करना है, और जो भी आपका कस्टमर आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट देना चाहता है वो बैलेंस आप यहाँ से उसको अपने वॉलेट वन में उसको ऐड करा लेंगे, देन उसके बाद उसको आप मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। सबसे जो लास्ट में ऑप्शन है वो है पेमेंट गेटवे, यानी कि आपकी जो नेट बैंकिंग है उस नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जो भी बैंक रहेगा आप यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, नेट बैंकिंग मोड आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद सबमिट करना है, और जो पैसा आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट से ऐड करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से वो पैसा आपके वॉलेट वन में आ जाएगा।
तो ये प्रोसेस है अपना वॉलेट वन जो मनी ट्रांसफर के लिए रहेगा उसमें आप कैसे बैलेंस को ऐड कर पाएंगे यानी कि टॉपअप कर पाएंगे। देन उसके बाद एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट टॉपअप के नीचे ही कैश ऑफ। दिन भर में आपके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन की जाएगी, जो भी आधार से आप पैसा निकाल के देंगे कस्टमर को या अपना माइक्रो एटीएम कार्ड के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन करेंगे आप, उसमें जो पैसा आएगा, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वॉलेट टू में जो भी आपका पैसा आ रहा है तो उसको किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कैश आउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। सबसे पहला है वॉलेट कैश आउट, यानी कि आपको बैंक में मूव करने के लिए वॉलेट कैश आउट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे की तरफ एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड बैंक अकाउंट, ऐड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल डिटेल रहेंगी जो आपको बैंक डिटेल फिल करनी है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, स्टेट बैंक, आईएफएससी कोड, पिन कोड और एक ओटीपी के माध्यम से उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आप एनईएफटी और आईएमपीएस मोड के माध्यम से अपना पैसा वॉलेट टू से अपने बैंक में मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वॉलेट टू से वॉलेट वन में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे आप जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वॉलेट ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। वॉलेट ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद में जो भी पैसा आपका वॉलेट टू में रहेगा उसको आप यहाँ से वॉलेट वन में मूव कर लेंगे। देन उसके बाद आप किसी कस्टमर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो वॉलेट वन से आप ट्रांसफर कर पाएंगे। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज का, टॉक टू अस, यहाँ पे आप जो अपनी क्वेरी वगैरह इरेज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी जो सर्विसेज लाइव हैं एईपीएस, डीएमटी और एमएटीएम, अगर तीनों से रिलेटेड आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं क्लियर हो पाती है किसी भी रीजन से, तो आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एईपीएस में, और जो भी आपकी ट्रांजेक्शन रहेगी उसका एक आपको टिकट रेज करना है। टिकट रेज करने के बाद जो आपको हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। नीचे ही ऑप्शन दिया हुआ है एमएटीएम ड्राइवर, यानी कि जो भी आपकी डिवाइस है आप इस पोर्टल के माध्यम से चलाना चाहते हैं। ठीक है, जो सीएससी से डिवाइस आप लोगों ने ली हुई है केवल वही डिवाइस ही आप इस पोर्टल पे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आपको केवल एमएटीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में वो जो ट्रांजेक्शन है आप कार्ड के माध्यम से इस वाले पोर्टल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नीचे ई केवाईसी दी हुई है। मान लिया अगर कोई भी वेल ईकेवाईसी में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, अगर बाई चांस किसी की रिजेक्ट होती है तो रिजेक्शन में उसका रीजन दिया जाएगा कि आपकी आपकी जो ईकेवाईसी है वो क्यों रिजेक्ट हुई है। तो बहुत से लोगों को जो रियल मतलब सेम प्रॉब्लम आ रही है वो दो चीजें हैं, एक तो है फोटो मिसमैच। मान लिया अगर आपका आधार में पुराना फोटो है और आप अपना लाइव फोटो जब देते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि आपको अपना आधार में फोटो अपडेट कराना होगा। दूसरा एक होता है लोकेशन मिसमैच का, तो आप जब भी केवाईसी कंप्लीट कर रहे हो अपनी तो आपको अपने सेंटर पे रहना है और वहां पे जो लोकेशन होता है लोकेशन का मोड जो है आपको ऑन रखना है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है, एक अपना आधार में फोटो अपडेटेड हो और दूसरा आपका जो लोकेशन है लोकेशन मोड है वो अपना ऑन रखें उसको, तो उसके बाद आपकी केवाईसी सिंपली हो जाएगी जो बैकएंड से सीधे सीधे अपलोड कर दी जाएगी। राइट हैंड में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफाइल्स का, आप यहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ये था डीजीपी लाइट के बारे में। ठीक है, इससे अलग आपको कोई भी पोर्टल से रिलेटेड किसी भी तरह की मतलब किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हो तो वो सब आपके जो जिले की टीम है, आपके जो जिला मैनेजर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या मेल आईडी भी मैं अभी शेयर कर दूंगा आपकी स्क्रीन पर, आप उस मेल आईडी पे उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो चीज़ें जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो इसलिए लॉन्च किया गया है कि मान लिया कभी भी आपको डीजीपी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो एज ए बैकअप आप डीजीपी लाइट को यूज कीजिए, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक लिमिट मिली हुई है, ज्यादा से ज्यादा आप अपना मनी ट्रांसफर इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं वन टाइम में, 75,000 तक की लिमिट आपको एक मोबाइल नंबर पे मिली हुई है। दूसरा एईपीएस का भी काफी अच्छा मोड है जो आप ट्रांजेक्शन यहाँ से इसको कर सकते हैं। कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो सभी वीएलईज को शेयर किया हुआ है सभी ग्रुप्स में, आप वहां से अपने जिला टीम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी की आईडी नहीं बनी है तो एक बार जिला टीम से बात कर लीजिए, वो आपको एक गूगल फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आपको डिटेल फिल करनी है,
और डिटेल फिल करने के बाद में आपकी आईडी 7 से 10 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आएगी। लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ में आपको वेब लिंक भी और आपका मोबाइल ऐप लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप लॉगिन करके सबसे पहले ईकेवाईसी कंप्लीट करनी है, और दूसरा ईकेवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपको अपनी आईडी से काम करना स्टार्ट करना है, जैसे मनी ट्रांसफर, एईपीएस और कार्ड ट्रांजेक्शन। उसके बाद आने वाले टाइम में जो भी सर्विसेज इसमें ऐड होंगी, जैसे बीबीपीएस हुआ या ईएमआई वगैरह हुआ जो कलेक्शन करते हैं, तो उसके टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बट फिलहाल आप अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट करके अपने पोर्टल से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करें। एक सूचना उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों की आईडी बहुत पहले से बनी हुई है और उन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं की हुई है, तो आपसे अनुरोध है कि अपनी आईडी को एक बार लॉगिन करके पोर्टल से ईकेवाईसी कंप्लीट करें सबसे पहले, और उसके बाद अपना पोर्टल से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करें। एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ सभी वीएलई से, आप दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो डीजीपी रजिस्टर का एक फॉर्मेट आप सभी लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप अपने सेंटर पे डीजीपी का जो रजिस्टर का फॉर्मेट है वो जरूर रखें। अब जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें नॉर्मल सी डिटेल्स होती हैं, जैसे कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, आरआर नंबर, अमाउंट और कस्टमर के साइन, तो ये डिटेल्स आपको जरूर रखनी है अपने डीजीपी रजिस्टर में कोई भी ट्रांजैक्शन करते टाइम। दूसरा, अगर कोई आपके यहाँ से आधार से पैसे निकालता है तो आपको जो है उसका आईडी कार्ड देखने के बाद में ही उसकी ट्रांजेक्शन आगे प्रोसीड करनी है। बहुत ही अच्छा पोर्टल ये सभी वीएलईस के लाइव कर दिया गया है, तो कोई भी वीएलई जो भी अपना इस पोर्टल से कार्य करना चाहता है, अपना एक बार जिला कोऑर्डिनेटर मतलब जिला जो टीम है आपको उनसे संपर्क करना है, देन उसके बाद में आपकी आईडी आने के बाद में आप इस पोर्टल से अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम जो है आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार डिवाइस आपके आने के बाद में वो आपकी मैप ही होके आएगी डिवाइस, तो आपको केवल एक माइक्रो एटीएम का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, और जो कार्ड से जो सर्विसेज हैं कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, वो वाली सर्विस आप अपने इस पोर्टल से अपने सेंटर पे अपने लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था डीजीपी लाइट के संबंध में, तो अगर फिर भी कुछ भी क्वेरी किसी भी वीएलई की रहती है तो वो मैसेज बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ सकता है। कुछ वीएलईज के क्वेश्चन हैं जो उन्होंने कमेंट्स करके दिए हैं, तो मैं उनमें से कुछ वीएलईज का ले लेता हूँ। शुभ श्रीवास्तव जी, कैशबैक के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। शुभ श्रीवास्तव जी, अभी डीजीपी लाइट में जो स्कीम चलाई हुई है 21 दिसंबर से लेके और 26 जनवरी के मध्य में, डीजीपी लाइट से आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें जो आपका कमीशन होगा उससे अतिरिक्त 10% पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको एक साथ आपका कमीशन दिया जाएगा। मतलब डीजीपी लाइट पे चाहे आप ईपीएस करें, मनी ट्रांसफर करें या आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करें, उसके बाद जो आपका पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो आपका कमीशन रहेगा उसमें 1% इंसेंटिव आपको इस अवधि के बीच में जो रहेगा उसका एक कमीशन एक साथ आपको दे दिया जाएगा। डीजीपी लाइट का कस्टमर केयर नंबर नहीं मिल पाता है टेक्निकल इशू रिलेटेड, आपको मैंने बताया है सबसे पहले आप पर्टिकुलर मान लिया आपकी कोई सी भी सर्विस है आपको उसका एक टिकट रेज करना है, टिकट रेज करने के बाद में आप कॉल कीजिएगा तो आपका जो नंबर है वो उठाया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व की जाएगी। ज्ञानेंद्र कुमार, आईडी कैसे बनेगी लाइट की? ज्ञानेंद्र जी, मैंने अभी बताया है कि अगर आपकी आईडी क्रिएट नहीं हुई है तो आपके जिले की जो टीम है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, आप उनके माध्यम से लिंक ले सकते हैं। लिंक लेने के बाद में आपको गूगल एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है नॉर्मली,
और वहां से आईडी क्रिएट होने के बाद में आपको मेल आईडी पे मिल जाएगी। ओम शांति कंप्यूटर्स। मनी ट्रांसफर का जो चार्ज रहेगा वो मार्केट हिसाब से रहेगा। जो आपको पता ही है कि जो 1% चार्ज होता है वो आपको कस्टमर से लेना है, देन उसके बाद जो कमीशन होगा आपका वो आपका रिवर्ट हो जाएगा। बेसिकली 5,000 रुपये जो आपका कमीशन रहेगा वो 31 रुपये 42 पैसे, यानी कि आप कस्टमर से 5,050 लेंगे, देन उसके बाद जो रिवर्ट होगा आपका वो 31 रुपये 42 पैसे आपका रिवर्ट हो जाएगा। कैशबैक जो रहेगा वो डिजिटल लाइट में रहेगा, चाहे आप वेब वर्जन से करें चाहे उसको मोबाइल ऐप से करें। एईपीएस इंडियन बैंक का हो रहा है, आप एक बार फिर से उसको ट्राई करना। एईपीएस इंडियन बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्यूआर कोड की जो बात कर रहे हैं तैयब अंसारी जी, वो केवल अपना वॉलेट टॉपअप के लिए है। जो आपका वहां से आपको जनरेट करना है, जिसकी टाइम लिमिट 30 सेकंड की होती है, केवल उसी के माध्यम से आप अपना वॉलेट टॉपअप कर पाएंगे क्यूआर कोड में। आईडी पासवर्ड के लिए सौरभ गुप्ता जी बता दिया है, आपको एक लिंक फिल करना है। लिंक फिल करने के बाद में आपकी आईडी जो है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मिलेगी। विजय राजपूत जी, कैश आउट की समस्या नहीं है, वो सोल है। आप ट्राई कर सकते हैं आईएमपीएस या नेफ्ट के मोड से उसको ट्राई कर सकते हैं। आदित्य कुमार पांडे जी, ये जो आपका क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच नहीं हो रही है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप एक टाइम पे केवल एक ही डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम रहो। अगर दूसरे डिवाइस आप यूज कर रहे हैं तो उसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। राजेश शर्मा जी, केवाईसी नहीं हो पा रही है। केवाईसी करने के लिए आप बेस्ट है कि आपका जो मोबाइल ऐप है आप उसमें एक बार लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में जो प्रोसेस रहेगा उसमें डिटेल्स आपको फिल करनी है, जो फोटोज रहेंगे वो आपको अपलोड करने हैं, तो मोबाइल ऐप से एक बार आप ट्राई कीजिएगा। शेषधर, जो डीजीपी की आप बात कर रहे हैं कि आपने जो डिपॉजिट किया था, तो सबसे पहले आप जो है पासबुक में जाके एक बार ट्रांजेक्शन को चेक करना आरआरएन नंबर से। अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल रही होगी तो वो पैसा आपका रिवर्ट हो गया होगा, आप एक बार आरएन नंबर के माध्यम से ट्राई करना। तो आप सभी वीएलईज का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त जो भी जरूरी सूचनाएं रहेंगी वो आपको टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में फिर से इसको प्रोग्राम को किया, मतलब हर हफ्ते किया जाएगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह रहेंगे वो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, या आप जो भी आपकी क्वेरी रहे वो आप अपना एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से उसको एक बार क्लियर कीजिए। मैं अपनी मेल आईडी जो है वो भी आप सभी लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी वेलीज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें आपको बताई गई हैं आशा है कि आप लोग उसको प्रोसेस करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लाइट में जो आपका अभी कैशबैक की पॉलिसी चली हुई है, जो इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है, तो उसका आप लाभ उठाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।